जी, अब मैं बुलाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनको आपने एज अ होस्ट, एज अ सिंगर देखा, और उसके बाद ड्रामों में वो भी जरा, वो कहते हैं ना, बिल्कुल डिफिकल्ट ड्रामे, जो हर कोई, जो कैरेक्टर्स को जो हाँ नहीं करता, हाय हाय मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरी हीरो वाली इमेज खराब हो जाएगी, बिल्कुल। तो एक ऐसे एक्टर जो बहुत वर्सटाइल हैं, कभी आपको कुछ करते हुए नजर आते हैं स्क्रीन पे, ड्रामों में, फिल्मों में, कभी आपको कुछ करते हुए नजर आते हैं, इस फिल्म में बाजी में क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सोच समझ के साकिब ने कास्ट किया होगा, क्योंकि इनके अंदर एक्टिंग घूट घूट के भरी है। आइए वेलकम करते हैं बहुत प्यारे गेस्ट मोहसिन अब्बास हैदर। मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। देखिए मोहसिन वैसे तो अपनी एक्टिंग की वजह से भी मशहूर है, लेकिन खास जो ये रैप करते हैं ना वो एक आपकी पहचान बनी हुई है, तो अपनी फिल्म बाजी के बारे में जरा कुछ रैप करके बताएं ना, जरा इस ईद के मौके पर आप क्या बताना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को? फिलहाल तो सिर्फ इतना कि रैप नहीं बोलो ना, रैप नहीं बोलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है, तो रैप ऐसे थोड़ी मिलता है, तो कैसे ऐसे लगते हैं हम ना, बताओ इनको यार, मुबारक वाले नोट भिजवाना यार, हाँ ना, मुबारक वाले नोट तो भिजवाओ, मतलब ईद के दिन आप मुफ्त करना चाह रही हैं, तो बेसिकली जितने अच्छे हीरे साकिब मलिक साहब ने पिरोए हैं, मुझे लगता है कि इसमें मेरा आ जाना एक मेरे लिए ऑनर की बात थी, कि मीरा जी के साथ स्क्रीन शेयर करना, आमना का काम मैं जिंदा भाग से एडमायर करता आ रहा हूँ, उस्मान को मैंने बल्कि उनकी फिल्म देखने के बाद इनको मैसेज करके तारीफ की थी कि ही इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, और इनकी लुक्स तो आपको कॉम्प्लेक्स में डाल ही देती हैं उसके लिए देखे ना मुझे क्या क्या करवाना पड़ता है ये इन्होंने 3 घंटे लगाए ब्लो ड्राई में, इन्होंने 5 घंटे लगाए, मुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगे। अली काजमी भी हैं इस फिल्म में, और फिर इतनी अच्छी कास्ट हो, नगीर एजाज साहब हैं, निशो साहिबा हैं इसमें, तो इतनी बड़ी कास्ट के बीच में मेरा एक रोल आ जाना मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और चुने जाना, और अज्जी का एक किरदार है जी, इनके पीछे दीवाना है वो, अच्छा, और बड़ा एक पैशनेट सा आदमी है, और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात मुझे तो लगती है कि हर किरदार हीरो है, अच्छा। हर किरदार हीरो है इसका, मीरा जी, आमना, अली, सब अपने अपनी जगह सही सब हीरो हैं, अगर आप कोई एक सतून निकाल देंगे तो शायद फिल्म गिर जाएगी, इतने अहम है सब, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जबरदस्त जबरदस्त। मोहसिन क्या करते हैं ईद पे, क्या आपका शुमार उन मर्दों में होता है जो नमाज पढ़कर आए तो अपने घर में सबको तैयार देखना चाहते हैं, या आपका शुमार उन मर्दों में होता है जो सोकर ईद गुजारते हैं? ये क्या करते हैं आप, बाकी ये कुछ करते हैं? मोहसिन के पास करने को कुछ नहीं होता ना ईद पे, तो मोहसिन ने दुपट्टा ओढ़ लिया। नो, बेसिकली भांजे भांजियां हैं, अच्छा, मेरे कुछ चंद बहुत सारे चंद बहुत सारे, तो उनमें मैं गिनने शुरू किए तो मुझे अंदाजा हो गया कम नहीं है, चंद नहीं है, तो उनके साथ ईद गुजरती है, और बड़ा मजा आता है मुझे उनके साथ ईद गुजारने का, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं शायद इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन उस एज में जहाँ पे ईदी देनी होती है मुझे, अब लेने वाली मामापूत मामू हो, एग्जैक्ट, मामापूत चाचा हो, तो फिर ईदी तो बनती है, वो देने वाली फेज में आ गए, तो यू नो, घर का कोई काम, घर का कोई काम ईद पे, अब तो डबल रोटी अंडे लेने नहीं जाता होगा मोहसिन, चला जाता है, अम्मा होती थी भेज देती थी, अम्मा होती थी भेज देती थी, अच्छा, अभी भी अगर मुझे कोई कह देता है कि ये सेट पे भी लेके आते थे हमारे लिए डबल रोटी अंडे, अरे ताली बजाने वाली बात थी यार, यार इतना इतना अच्छा आदमी हूँ मैं, क्या डबल रोटी अंडे लाना वाले सारे आदमी अच्छे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाजी बाजी मत कहो ना, बाजी बाजी ही का सीन है इससे, सिर्फ बाजी, आप मुझे बाजी कहें, आज हम सब एक दूसरे को बाजी बाजी कहें, बाजी क्यों कहते हैं, एक दूसरे को बाजी कहें, हाँ बिल्कुल, तो बाजी कैसी हैं आप? मीरा बाजी, मैं निधा बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।